राजस्थान की हॉट सीटों में से एक हॉट सीट कुम्हेडीग विधानसभा सीट, जहां से डॉक्टर शैलेश सिंह बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीते हैं, पूर्व राज परिवार के सदस्य कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह को चुनाव हराया है। शैलेश जी, एक तरह से किस्मत खुल गई है कहा जा सकता है, क्योंकि काफ़ी स्ट्रगल आपने किया, पिछली बार चुनाव भी हारे थे लेकिन इस बार मुकाम हासिल। देखिए, बात आपकी बिल्कुल सही है कि स्ट्रगल काफ़ी किया, लेकिन सिर्फ मैंने ही स्ट्रगल नहीं किया, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के जितने कार्यकर्ता हैं डी कुमेर के, सब लोगों ने पूरी तरह से मेहनत की है इस चुनाव के लिए। पूरे 5 साल लगातार लोग फील्ड में लगे रहे हैं और डी कुमेर की जो जनता है उसका जो आशीर्वाद और प्यार मिला है उसी का परिणाम है कि डी कुमेर के अंदर बदलाव हुआ है। राजस्थान की एक सारी हॉट सीटों में कुम्हेर डीग पर भी निगाह लोगों की थी, राजस्थान के नेताओं की भी निगाह थी, जनता की भी निगाह थी, लेकिन जिस तरह से जीत हासिल हुई है वो कहीं ना कहीं ये चौंकाने वाले एक तथ्य भी हैं। और अब आपको क्या लगता है कि जो 10 वर्ष से आप देख रहे थे, अब उसमें क्या इजाफा करना है, इम्प्रूवमेंट करना है? देखिए, 10 वर्षों में डी कुमेर विकास की दृष्टि से बहुत पिछड़ गया है, ना सड़कें हैं, ना अस्पताल हैं, ना स्कूल हैं अच्छे, निश्चित तौर पर युवाओं के लिए खेलकूद की कोई व्यवस्था नहीं है, रोज़गार की कोई व्यवस्था नहीं है, महिलाओं के लिए पीने का पानी नहीं है, हमारे सिंचाई का पानी भी किसानों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी संभावनाएं जिन पर काम करने की आवश्यकता है। डी कुमेर से जो बनते हैं वो मंत्री बनते हैं, तो लगता है मंत्री तो बनेंगे ही आप? देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व का काम है, वो जैसा आदेश करेंगे वो आदेश शर्माते होगा। बिल्कुल, डॉक्टर शैलेश सिंह हैं जिन्होंने पूर्व राज परिवार के सदस्य महाराजा विश्वेंद्र सिंह चुनाव हराया, कांग्रेस प्रत्याशी को, चुनाव जीते हैं, पहले हार गए थे लेकिन इस बार चुनाव जीते हैं। डॉक्टर दिगंबर सिंह जो स्वर्गीय हैं उनके पुत्र भी हैं, वो भी मंत्री रहे थे। डॉक्टर शैलेश सिंह युवा हैं और लंबी लड़ाई विकास के लिए वो लड़ना चाहते हैं।